नमस्कार जय हिंद स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं तो अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में हाई स्कूल का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था या फिर ये कहें कि उसको लीक करवाया गया था आउट करवाया गया था तो इसको लेके सरकार बहुत ज्यादा सख्त हो गई है इसके अलावा बोर्ड भी सख्त हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसक सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ तो अभी 15 जून से 30 जून के बीच में पॉलीटेक्निक के इवन सेमेस्टर और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो उसी के संबंध में ये नोटिस सभी कॉलेजों के मेल आईडी पे पर भेजी गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक परीक्षा मल्टी पॉइंट एंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम एवं स्पेशल बाय परीक्षा जून दो हेतु परीक्षा केंद्रों पर आई कैमरे स्थापित करने विषय तो मैं आपको यहाँ पे पूरी नोटिस दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उपरोक्त परीक्षा की लाइव वेबकास्टिंग की जानी है उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्था में उच्च कोटि के आई कैमरे एवं वॉइस रिकॉर्डिंग तत्काल स्थापित करना सुनिश्चित करें एवं परिषद कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें आप द्वारा स्थापित उच्च कोटि के आईपी कैमरे एवं वॉइस रिकॉर्डिंग का स्थलीय निरीक्षण बोर्ड प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा साथ ही परीक्षा से पूर्व आपको संस्था में स्थापित कैमरों का यू एवं आई पासवर्ड परिषद को उपलब्ध कराना होगा ताकि परीक्षा के समय लाइव स्क्रीनिंग की जा सके और जिसकी मॉनिटरिंग परिषद एवं शासन स्तर पर की जा सके तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने सभी कॉलेजों को ये नोटिफिकेशन भेजा है कि आपका कॉलेज जो है वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर बन सकता है इसीलिए आपको अपने कॉलेज में उच्च क्वालिटी के हाई क्वालिटी के वाईफाई वाले कैमरे लगवाने हैं साथ में ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगानी है और इसकी सूचना बोर्ड को देनी है उसके बाद बोर्ड उस कॉलेज का इंस्पेक्शन करेगा उसके बाद ही कॉलेजों को सेंटर बनाया जाएगा तो इसके पहले दोस्तों क्या होता था कि जो भी पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी के कॉलेज है आज से तीन साल पहले वहां से अक्सर क्वेश्चन पेपर लीक या फिर आउट होने की शिकायत आती थी तो उसके बाद बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने क्या किया कि क्वेश्चन पेपर को ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर भेजना शुरू कर दिया यानी कि जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे आधे घंटे पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर पे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा उसको प्रिंट करने के बाद ही स्टूडेंट को दिया जाता है तो अभी तो क्वेश्चन पेपर लीक होने की आउट होने की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई है लेकिन अभी यहाँ पे नकल रोकने के लिए भी यहाँ पे वाईफाई वाला कैमरा लगाया जाएगा साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई जाएगी जिसको कि सीधे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अधिकारी या फिर जो भी बड़े अधिकारी होंगे वो उनको मॉनिटर कर सकेंगे लाइव देख सकेंगे तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसे लगी आप इस वीडियो को लाइक कर दें साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद